मंजिल उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, मंजिल तो उन्हें मिलती है जो अपनी जिद पर अड़े होते हैं। हेलो दोस्तों, मैं संदीप कुमार स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रैक एग्जाम पूर्वी के अंदर। आज हम मैथ का टॉपिक शुरू करेंगे, नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पत्ती, जो आपके आने वाले हर एग्जाम के अंदर जैसे कि हरियाणा पुलिस, ग्राम सचिव, रेलवे, NTPC, ग्रुप डी सभी के लिए हेल्पफुल होगी। तो शुरू करते हैं क्लास। सबसे पहले हमारे पास होता है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर वो होते हैं जो एक से शुरू होते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 इन्फिनिटी तक होते हैं। इसके अंदर जीरो इंक्लूड नहीं होती। दूसरा है हमारा पूर्ण संख्या। इसको बोलते हैं होल नंबर। इसमें जीरो इंक्लूड होती है, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे इन्फिनिटी तक चलते हैं। उसी प्रकार तीसरा है हमारा पूर्णांक यानी कि इंटीजर। इसके अंदर क्या होती है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरफ होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। जैसे कि इस साइड जाएंगे तो 1, 2, 3, 4 इन्फिनिटी तक होंगे, और इसी प्रकार -1, -2, -3 इन्फिनिटी तक होंगे। के बाद आती है हमारी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जिसके कोई भी गुणनखंड या खुद को छोड़ के फैक्टर ना हो, मतलब 2, 3, 5, 7, 11, 13 ऐसे इन्फिनिटी तक होते हैं। अगर एग्ज़ाम के अंदर आपसे पूछ लिया जाए कि 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो इसको हम निकाल लेंगे। हमें पता है 0 से 25 तक हमारे पास 9 अभाज्य संख्याएं होती है। 9 कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि 2, इसके बाद में 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसी प्रकार 25 से 50 तक हमारे पास 6 होती हैं, और 50 से 100 तक 10 होती हैं। तो टोटल 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ये बेसिक कंसेप्ट है, इसी के आधार पर हम आगे क्वेश्चन भी करेंगे। अब बात करते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या वो होती है जिसके खुद के गुणनखंड हों, जैसे कि 4 हो गए, 6 हो गया, 8 हो गया, 9, 10 ऐसे इन्फिनिटी तक ये चलते रहेंगे। इसके बाद आती है हमारी वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर बोलते हैं इंग्लिश में। वास्तविक संख्याएं वो होती हैं जो इरेशनल और रैशनल दोनों, इरेशनल और रैशनल दोनों संख्याएं वास्तविक संख्या होती है, प्रिमेय और अप्रिमेय, ठीक है। इसके बाद आती है हमारे पास आरोही क्रम, और एक होता है अवरोही क्रम। असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर,
आरोही क्रम सीधा सा है, चढ़ते वक्त जैसे नंबर बढ़ते जाएंगे वो आरोही क्रम हो गया, अवरोही हो गया, डाउन डिसेंडिंग मतलब डाउन आना नीचे आना, जैसे कि ये चीज़ होगी, ये तो हो गया बेसिक। अब हम थोड़े से रूल और पढ़ेंगे, विभाजकता नियम पढ़ेंगे, विभाजकता नियम एग्जाम में पूछ लिया जाता है भी 9 से भाज्य होने वाली संख्या कौन सी है, चार ऑप्शन दे देता है। तो इसी प्रकार 2 से भाग होने वाली, 2 से भाग होने वाली संख्या वो होती है जिस संख्या के इकाई का अंक, जिस संख्या का इकाई का अंक 2, 0, 4, 6, 8 हो। इसके बाद आती है 3 से, जिस संख्या में अंकों का योगफल, अंकों का योगफल 3 से विभाजित हो। उनको हम 3 से विभाजित, जैसे कि एग्जांपल पर 729 है हमारे पास, इन संख्या का अंकों का योग कितना हो गया, 9, 2, 11, 7, 18 हो गया, ये 3 से डिवाइड हो जाएगी। इसी प्रकार 4 से विभाजित होने वाली, जिस संख्या का इकाई और दहाई का अंक भी, इकाई और दहाई दोनों का अंक 4 से डिवाइड हो, जैसे कि 1976, इसको हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि इकाई और दहाई का अंक हमें पता है, इसको डिवाइड करेंगे तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगी। इसी प्रकार 5 का रूल क्या कहता है, जिस संख्या के इकाई के अंक 0 और 5 हो वो 5 से डिवाइड हो जाएगी। इसी प्रकार 6 का करेंगे हम, 6 का नियम क्या कहता है हमारे पास, जो संख्या 2 और 3 से विभाजित हो जाती है, जो संख्या 2 और 3 से विभाजित हो जाएगी तो वो संख्या ऑटोमेटिकली 6 से विभाजित हो जाएगी। इसी प्रकार हम करेंगे 9 का, 9 का भी वही नियम है, जिन अंकों का योगफल, वही बात 729 वाली बात, इनको तीनों को ऐड कर देंगे तो ये आगे हमारे पास 18 और ये 9 से डिवाइड हो जाएगी। इसी प्रकार अब कुछ क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार हैं कि आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है क्वेश्चन, कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है, और ऑप्शन के अंदर दे रखा है ए बी सी और डी, हमें ऑप्शन के अंदर दे रखा है 56, 112 और दूसरा है 653, 89445 और दे रखा है 58556। हमें पूछ रखा है अभी 9 से विभाजित होने वाली, 9 से विभाजित होने वाली वही नियम, जिस संख्या के अंकों का योग 9 से डिवाइड हो वो संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। हम देख लेंगे 5, 6, 11, 1, 12, 1, 13, 2, 5, 21, 27, 9, 8, 17, 5, 22, 28, 30, 8, 5, 13, 10, 23, 6, 29। हमें पता है ये भी 9 से डिवाइड नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, ओनली ये, इसका बी आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कौन सी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी, तो इसके आंसर दे रखे हैं हमें, आंसर दे रखे हैं अभी ए बी सी डी, 512, 423,
315, 809। हमें पता है चार से विभाजित होने वाली संख्या वो होती है जिस संख्या के इकाई का अंक और दहाई का अंक दोनों चार से विभाजित हों। इसके अंदर देख लेते हैं, 12 है, ये चार से विभाजित हो जाएगी, ये नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, तो इसका आंसर आ गया हमारे पास ये। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, थोड़ी आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि कौन सी संख्या 12 से विभाजित है। ऑप्शन है 412, बी ऑप्शन दे रखा है 63412, सी ऑप्शन दे रखा है 73412 और डी ऑप्शन दे रखा है 83412। और पूछ रखा है अभी 12 से विभाजित होगी। हमें पता है जो संख्या 6 से विभाजित होगी या 4 से विभाजित होगी वो संख्या ऑटोमेटिकली 12 से विभाजित हो जाएगी। जैसे कि ये 12 है, ये भी 12 है, ये भी 12 है, ये भी 12 है, पर 4 से तो हम देख नहीं सकते। इसके बाद हम देखेंगे 6 से, क्योंकि संख्या जो 12 है इसका फैक्टर बनता है तो 4 3, या तो 4 3 बनेगा इसका या 6 2 बनेगा। तो बात यही आ गई, 2 और 3 3 कॉमन आएगा। और 3 का रूल क्या कहता है हमें, भी जिस संख्या के अंकों का योगफल 3 से विभाजित हो वो संख्या 3 से विभाजित होगी। तो बात यही है, 9 3 12 4 16 3 19 6 3 9 4 13 3 16 7 3 10 4 14 3 17 4 1 5 2 7 8 15 3 18। ये संख्या 3 से डिवाइड हो जाती है तो हम कह सकते हैं श्योरली ये संख्या 12 से विभाजित हो जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना। अगर लाइक शेयर और कमेंट करोगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आगे नेक्स्ट वीडियो भी बनाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।